तो हमने ये देखा कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज की वजह से लाइट अलग अलग तरह का बिहेवियर देती है, और डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम किस चीज़ को देख सकते हैं किस चीज़ को नहीं। जिन ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आएगी उन्हें हम देख सकेंगे, जिन ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी उन्हें हम नहीं देख सकते। लेकिन हमने ये देखा है कि जो डायमंड होता है, डायमंड को अगर आप धूप में रखेंगे तो डायमंड बहुत ज्यादा शाइन करेगा, बहुत ज्यादा शाइन करेगा। लेकिन अगर वही मैं घर में दीवार की बात करूं, तो घर की जो दीवार है वो इतनी शाइन नहीं करती। हमने ये देखा कि दीवार इतनी शाइन नहीं करती, लेकिन डायमंड बहुत ज्यादा शाइन करता है। लेकिन वही एक चीज और होती है, डायमंड बहुत कम गर्म होता है, डायमंड ज्यादा गर्म नहीं होता जब आप उसको सन में रखेंगे, सन की सन रेज में रखेंगे, सन की लाइट में रखेंगे। लेकिन अगर वही घर की दीवार की बात करूं तो वो दीवार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि डायमंड शाइन कर रहा है दीवार शाइन नहीं कर रही, और डायमंड गर्म नहीं हो रहा लेकिन दीवार बहुत ज्यादा गर्म हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज जो रिफ्लेक्शन लाइट का होता है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो हमने कहा कि रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से ऐसा नहीं है। बिकॉज जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, किसी चीज से टकराएगी, सो वहां पे दो फेनोमेना होंगे। पहला होगा रिफ्लेक्शन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। सेकेंड फिनोमेना इज एब्जॉर्प्शन, मतलब सोख लेना। तो जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, कुछ लाइट वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर सोख लेगा और कुछ लाइट को वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा मतलब टकरा के रिबाउंड बैक कर देगा। तो एग्जैक्टली डायमंड और वॉल में क्या हो रहा है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं वॉल की बात करूं, तो वॉल में हम कहेंगे कि यहां पे लेस रिफ्लेक्शन, लेस रिफ्लेक्शन एंड मोर एब्जॉर्प्शन होता है। लेस रिफ्लेक्शन एंड मोर एब्जॉर्प्शन का मतलब, हमने अभी देखा था कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, एनर्जी खत्म नहीं की जा सकती। सेम विद दिस एनर्जी ऑल्सो, लाइट के पास एनर्जी है। लाइट इस दीवार से अगर टकराती है, सो टकराने पे क्या हो रहा है, कुछ लाइट हमने कहा कि रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन कुछ लाइट को ये दीवार एब्जॉर्ब कर लेती है। सो एब्जॉर्ब करके क्या करती है? ऐसा तो नहीं है कि अभी हम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर जैसे ही हम यहाँ पे लाइट बंद कर देंगे तो ये दीवार चमकने लगेगी, जुगनू है जैसा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, जब ये दीवार पे लाइट गिरेगी तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जो लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली वो पूरी लाइट कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में। किसमें? लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में वो पूरी पूरी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हमें दिखता है कि दीवार बहुत ज्यादा गर्म हो रही है जब हम उसको सनलाइट में देखते हैं। लेकिन डायमंड में क्या होना चाहिए फिर? डायमंड में एग्जैक्टली इसका उल्टा। मोर रिफ्लेक्शन लेस एब्जॉर्प्शन, वहां पे रिफ्लेक्शन कम होगा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसीलिए डायमंड में जो भी लाइट गिरती है, जो भी सनलाइट गिर रही है, वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट 100% लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए हमें वो ज्यादा शाइन करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर दीवार की बात करें तो दीवार मेजर पार्ट को तो एब्जॉर्ब कर लेगी, कम पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और इसीलिए डायमंड गर्म नहीं होगा, डायमंड में गर्मी कम पैदा होगी। सो दिस इज द रीजन कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है
तो रिफ्लेक्शन अकेला नहीं होता, रिफ्लेक्शन के साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है, लाइट कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती है। नाउ हमने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है या जो भी ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आंखों में देख सकते हैं। इसका मतलब हम आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं से जरूर हो रहा है। सो अगर लाइट इतनी बार रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऐसा क्या है लाइट में, लाइट के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये बार बार रिफ्लेक्ट होके और बार बार हमें दिखाई देती है। जैसा कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आप कुछ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लाइट भी जब रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट कुछ रूल्स को फॉलो करती है। जैसा हम बोलते हैं कि गाड़ी चलाते समय लॉ को फॉलो कीजिए, उसी तरह से लाइट भी रिफ्लेक्ट होते समय कुछ लॉ को फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ लॉज को वो फॉलो करेगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उनकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा गाड़ी में होता है टर्मिनोलॉजीज, मतलब जैसे कि आपकी लेट से फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर में स्टीयरिंग जो है वो क्या है, स्टीयरिंग की हम उससे गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ योर ऑटोमोबाइल, कि इंजन हुआ, कार्बोरेटर हुआ, स्टीयरिंग हुआ, फ्यूल पंप हुआ, ये सब क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजीज है, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली गाड़ी से रिलेटेड है। उसी तरह से ऐसे भी कुछ टर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। जैसा आपने मोबाइल में देखा कि कीपैड होता है, जीपीएस होता है, जी सीडीएमए होता है, सिम स्लॉट होता है, सिम लगती है, मेमोरी कार्ड और दीज ऑल दीज थिंग्स, ये सभी क्या है, ये सभी टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू योर मोबाइल फोन। उसी तरह से हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनोलॉजीज रिफ्लेक्शन में क्या क्या है। सो लेट अस सपोज कि एक दीवार है कुछ इस तरह से, ये एक दीवार है, इसके पीछे की इट इज अ वॉल। अगर इस वॉल पे एक लाइट अगर इस वॉल पे एक लाइट रे कुछ इस तरह से टकराती है, हमने अभी कहा था कि लाइट क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो वी विल से कि लाइट की ये एक रे है। रे मैथ्स में आपने रे शब्द सुना होगा, इट इज अ लाइट रे। नाउ इस लाइट रे को हम लेट से नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दिया ए ओ। ए ओ इज ए लाइट रे विच इज इंसिडेंट ऑन दिस वॉल। ए ओ वो लाइट रे है जो कि इस वॉल के ऊपर आके गिरी है, जो कि इस वॉल से टकराई है, सो इट इज इंसिडेंट रे। सो आई विल से ओ ए जो है, ओ ए को हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। ये वो रे है जो कि इस मिरर पे, इस वॉल पे आके टकराएगी। ओके नाउ ए जो पॉइंट है वो हवा में है, ओ जो पॉइंट है वो दीवार के ऊपर है। रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, दीवार पे होगा। हम कहेंगे रिफ्लेक्शन दीवार के ऊपर हो रहा है, दीवार पे हो रहा है। सो ओ पॉइंट इज ऑन वॉल, आपका ओ पॉइंट दीवार के ऊपर है। सो आई विल से कि ओ जो पॉइंट है इट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ वह पॉइंट है जहां पे लाइट आके टकराई है। ओके सो ओ इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ व्हाट, और हम क्या देख सकते हैं, अब लाइट तो टकरा गई, हमने ये देखा कि लाइट दीवार पे आके टकरा चुकी है। टकराने के बाद
लाइट रिफ्लेक्ट होगी। किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वॉल के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या करा, इस वॉल के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, समथिंग लाइक दिस। जिसे हमने नाम दिया लेट से एम एन। एम एन जो लाइन है वो इस दीवार के बिल्कुल परपेंडिकुलर है और हम इसे कहेंगे कि एम एन नॉर्मल रे। एम एन क्या है, इट इज अ नॉर्मल रे। व्हाई इट इज नॉर्मल रे, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है उसके परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल सरफेस। जरूरी नहीं कि ऐसी ही हो, हम अभी डिस्कस करेंगे, सरफेसेस भी अलग अलग तरह की हो सकती है। सो अभी हम मान रहे हैं कि एक वॉल है, एक स्मूथ सी सरफेस है, उस स्मूथ सरफेस पे एम एन एक नॉर्मल रे हमने ड्रॉ कर दी। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो ए ओ एम कोई एक एंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे हमें एक एंगल दिख रहा है फॉर्म होता हुआ। नाउ व्हाट, एम एन और ए ओ के बीच में एक एंगल बन रहा है जहां पे ए ओ इज द इंसिडेंट रे एंड एम एन इज द नॉर्मल रे। सो आई विल से द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आई विल से आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल की वजह से फॉर्म होता हुआ एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है सो यू विल फेस टू मच प्रॉब्लम व्हेन यू गो फॉर द न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर रिफ्लेक्शन। व्हेन यू सॉल्व न्यूमेरिकल यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। सो नाउ लाइट टकरा तो चुकी है, हमने लाइट को टकरा दिया है, नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया है। नाउ लाइट विल रिफ्लेक्टेड, नाउ लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड समथिंग लाइक दिस। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो हम कहेंगे कि ओबी जो है, ओबी इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। सो आई विल से ओबी इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओबी क्या है, ओबी इज द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म कर रही है, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। इट इज नोन एज आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज आर, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड योर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो दिस इज आर, दिस इज ओबी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंस एंगल, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको ये याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सिर्फ एक ही होता है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वो जिस पॉइंट पे टकराती है उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि लाइट यहां पे टकराई और यहां से कहीं से निकली, इट इज नॉट लाइक दिस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल रिमेन वन ओनली। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वह पॉइंट है जहां पे आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों आके मिलती है। आप देख सकते हैं तीनों लाइन्स यहां पर आके टकरा रही है, यहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ हमने ये तो समझ लिया कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है
तो एक दो तीन चार पांच और छह चीजें सामने आती हैं, छह चीजें पिक्चर में आती हैं। लेकिन लॉ क्या है, एक्चुअल में चीज क्या है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, इन सभी लाइंस के बीच में एक रिलेशन है जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे एओ नॉर्मल एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे इट विल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या कि हम इन तीनों को एक ही प्लेन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को मैंने एक ही प्लेन में ड्रॉ किया है। तो एक ही प्लेन में ड्रॉ किया है मतलब ये अलग अलग प्लेन में नहीं है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, इट इज वेरी कॉमन, हम कहते हैं कि क्रिकेट बॉल ऐसा जब टिप खा के ऐसी हो जाती है स्विंग, इट इज लाइक दिस, ये जो स्विंग हो जाती है तो उसका प्लेन चेंज हो जाता है। क्रिकेट बॉल अगर ऐसी टकराए और ऐसी ही चली जाए, सो इट मीन्स वो एक ही प्लेन में है। जैसा ये हुआ है कि क्रिकेट बॉल, अगर हम ऐसा अज्यूम करें क्रिकेट बॉल है, ये इस तरह से टकराएगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा लाइक दिस। लेकिन अगर क्रिकेट बॉल ऐसा टकरा के ऐसी चली जाए, बाहर की तरफ आ जाए, स्विंग उसमें हो जाए, सो आई विल से कि जो बॉल स्विंग हो रही है उसने अपना प्लेन छोड़ दिया है। प्लेन छोड़ दिया है इट मीन्स सिर्फ हमें इतना समझना है, क्रिकेट बॉल लाइक दिस एंड दिस, सो दिस इज लाइक रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल इसी तरह से, ऐसा इंसिडेंट हुआ और ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया। वो टकराने के बाद ऐसा नहीं गया या ऐसा नहीं गया, इस डायरेक्शन में नहीं गया या इस डायरेक्शन में, वो बिल्कुल जिस तरह से आया उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। ओके, सो आई विल से कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे कोई स्विंग नहीं होगा, जो क्रिकेट में हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स बॉल जब फेंकते हैं तो बॉल टकराने के बाद ऐसी चली जाती है या फिर ऐसी मूव कर जाती है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल एक ही प्लेन में होंगे, ऐसी टकराएगी तो ऐसी की ऐसी ही चली जाएगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में लाए करेंगे ही करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट रे टकराने के बाद स्विंग हो जाए, इट विल नेवर हैपन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ सेज कि जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ सेज जो ये इंसिडेंस एंगल है और जो ये रिफ्लेक्शन एंगल है, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। जब भी रिफ्लेक्शन होगा दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, ये दोनों पूरी तरह से इक्वल होंगे। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ दिस इज द दीज आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो लॉ हमेशा फॉलो होंगे। जब भी कभी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ये दोनों लॉज फॉलो होंगे ही होंगे। नाउ अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं डायमंड और वॉल को कंपेयर करूं, तो डायमंड और वॉल में हम ये कहते हैं कि वहां पे डायमंड ज्यादा शाइन करता है, वॉल कम शाइन करती है। इट इज बिकॉज कि वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होता है, मतलब डायमंड लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, और वॉल लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, कम रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही वजह है, एक और वजह भी होती है जिसकी वजह से डायमंड ज्यादा शाइन करता है और वॉल कम शाइन करती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रीजन, चलिए हम उस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करी, हमने ये देखा कि लाइट जब भी रिफ्लेक्ट होती है तो वो दो नियमों को हमेशा फॉलो करती है, जैसा लिखा रहता है कि ट्रैफिक नियम को फॉलो करें, लेफ्ट में चलें, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं,
मुड़ते समय इंडिकेटर दे, ये सभी क्या है, ये सभी वो लॉज हैं जो आपको गाड़ी चलाते हुए फॉलो करने ही हैं, आपको करना ही पड़ेगा, आप उस चीज़ के लिए फ्री नहीं हो, आपके ऊपर नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपकी मर्जी होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं होता, वो लॉ है आपको मानना होगा। उसी तरह से रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं वो हमेशा फॉलो होंगे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और लॉ को फॉलो नहीं कर रही, इट विल नेवर हैपन। सो लाइट कभी भी एक रे ट्रेवल नहीं करती, लाइट का क्या होता है, हमेशा बंच ऑफ रेज आके किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है। लेट से मैं मान लेता हूं कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, मैं मान लेता हूं ये सरफेस है, ये फर्श है घर की, जिससे सरफेस, इस सरफेस पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक लाइट रे आके इस तरह से स्ट्राइक करे, सिंगल लाइट रे कभी भी इंसिडेंट नहीं होती, लाइट हमेशा बंच में ट्रेवल करती है। इट मींस बहुत सारी लाइट रेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, बहुत सारी लाइट रेस इस सरफेस पे आके टकराएगी। नाउ टकराने के बाद हमने देखा कि ये सरफेस बिल्कुल ऐसी स्मूथ है, हम मान लेते हैं कि दिस सरफेस इज स्मूथ, एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है, लेट्स से डायमंड की सरफेस, डायमंड की सरफेस स्मूथ है, तो कुछ इस तरह से इस सरफेस पे जैसे ही ये लाइट स्ट्राइक करेगी, वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो सभी का नॉर्मल बिल्कुल एक जैसा होगा, लाइट टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड इट विल गो लाइक दिस। दीज आर द इंसिडेंट रेस एंड दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेस। नाउ हम ये देख सकते हैं कि लाइट रे पैरेलली आई, एक बंच ऑफ लाइट्स, बहुत सारी लाइट रेस पैरेलली आके इस मिरर के या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराई, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होते समय भी पैरेलल रही। तो इट मींस जितनी लाइट यहाँ पे आके इस तरह से टकराई थी, उतनी पूरी पूरी लाइट एक डायरेक्शन में इस तरह से चली गई। ओके, यहां पे हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जो बंच था लाइट का वो बंच बना रहा, वो बंच एज इट इज रिफ्लेक्ट हो गया, यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि वो बंच बिखर गया, यहां पे बंच एक साथ पूरा रिफ्लेक्ट हो गया। सो आई विल से कि इस रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कि लाइट का जो बंच आ रहा है पूरा का पूरा एक साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस वजह से डायमंड हमें ज्यादा शाइन करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि लाइट जितनी ज्यादा एक साथ रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, एक बंच में रहेगी, वो उतनी ज्यादा शाइन करती हुई दिखाई देगी। सो इट इज बिकॉज इस सरफेस, ये जो सरफेस है, हमने कहा कि ये डायमंड की सरफेस है, डायमंड की सरफेस बहुत ही स्मूथ होती है, अगर आपने देखा होगा बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है, जो स्मूथ सरफेस होती है उसे हम कहते हैं रेगुलर सरफेस। जब भी लाइट रेगुलर सरफेस पे टकराएगी या फिर कहें स्मूथ सरफेस, जब भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे या रेगुलर सरफेस पे टकराएगी, सो टकराने के बाद वो बिल्कुल बंच में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पे जैसी लाइट थी बिल्कुल उसी तरह से रिफ्लेक्ट भी हो गई। लेकिन अगर वहीं हम एक वॉल की बात करें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉल की जो सरफेस होती है वो 100% स्मूथ नहीं होती, वो सरफेस कुछ इस तरह की होती है, इस सरफेस को हम कह सकते हैं रफ सरफेस। रफ सरफेस या फिर
इरेग्युलर सरफेस, ऐसा हम कह सकते हैं। इस सरफेस को अगर हम ध्यान से देखें और इसको अगर इस सरफेस से कंपेयर करें डायमंड की स्मूथ सरफेस से, सो यू विल फाइंड कि यहां पे बहुत सारे छोटे 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 प्लेन सरफेसेस बने हुए हैं। जैसे कि यहां से यहां तक इतनी सरफेस प्लेन है, फिर इतनी सरफेस प्लेन है, फिर इतनी सरफेस प्लेन है, और बहुत सारी प्लेन सरफेसेस से मिल के ये एक रफ सरफेस कुछ इस तरह से फॉर्म हुई है। जब भी लाइट का ये बंच जो इस डायमंड पे टकराया था, हम मान लेते हैं कि ये बंच इस वॉल के ऊपर भी टकराता है, इट विल स्ट्राइक समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह से ये लाइट का बंच इस सरफेस पे आके टकराएगा। नाउ टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद अगेन जैसा हमने नॉर्मल्स ड्रॉ किए, अब यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करने, लेकिन एक खास बात ये है कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो नॉर्मल रे क्या होता है? नॉर्मल रे इज बेसिकली एक लाइन जो कि आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर है। सो सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम यहां पे देखें तो इस सरफेस पे जहां पे ये पहली रे टकरा रही है, यहां पे ये नॉर्मल कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर हम दूसरी सरफेस को देखें, दूसरी लाइट रे जो जहां पे टकरा रही है, तो यहां पे नॉर्मल कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हम देख सकते हैं कि ये सरफेस एक बहुत ही रफ सरफेस है, इसलिए अलग अलग रे के लिए अलग अलग तरह के नॉर्मल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो इस रिफ्लेक्शन के बाद इन सभी लाइट रेस की डायरेक्शंस बदल जाएगी, समथिंग लाइक दिस। आप देख सकेंगे कि जो ये लाइट का बंच आके इस सरफेस के ऊपर टकराया था, ये सभी लाइट रेस बिखर गई, ये बंच स्प्रेड हो गया। यहां पे कैसा था? इंटैक्ट था, एक ही बंच था, बिल्कुल ऐसा जा रहा था, लेकिन यहां पे ये बंच स्प्रेड आउट हो गया, ये बंच बिखर गया। सो बिखरने से क्या हुआ? कुछ लाइट रे इस डायरेक्शन में चली गई, कुछ लाइट रे इस डायरेक्शन में, सभी की डायरेक्शंस चेंज हो गई, और जो बंच के पास एनर्जी थी वो एनर्जी कम हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि वॉल पे जब लाइट टकराती है तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें वॉल ज्यादा शाइन करती हुई नहीं दिखाई देती। अगर आप ये देखेंगे कि जो बहुत ही स्मूथ वॉल होती है, जैसे कि अगर आप वॉल पे प्लास्टिक का पेंट कर दें, सो वो वॉल बहुत स्मूथ हो जाती है, वो वॉल बहुत ज्यादा शाइन करती है। लेकिन जो वॉल बिना पेंट के है, जिस पे अभी तक पेंट नहीं हुआ, वो वॉल शाइन बहुत ही कम करती है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज वो बहुत ज्यादा रफ होती है। तो उसकी रफनेस की वजह से जो लाइट का बंच उसके ऊपर टकराता है वो बिखर जाता है। सो आई विल से कि यहां पे भी क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन कैसा? This is irregular reflection. यहां पे रिफ्लेक्शन तो हुआ है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन इरेग्युलर है, वो एक समान नहीं है, वो अलग तरह से हुआ है। यू कैन नोट दिस।